हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप इंस्टाग्राम पर किस तरह से पैनोरामा फोटोज़ को अपलोड कर सकते हो। दोस्तों, आपने कई बार पैनोरामा फोटोज़ को अपलोड करने की कोशिश की होगी एंड उस तरह से वो अपलोड नहीं हो पाती है एंड वो दिखने में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग पाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने इंस्टाग्राम पर पैनोरामा फोटो को अच्छी तरह से अपलोड कर सकते हो एंड वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी एंड आपके प्रोफाइल को भी अच्छा लुक देगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो तो आज की हमारी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर किस तरह से पैनोरामा इमेज को अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको गूगल में जाना है एंड आप यहाँ से किसी पैनोरामा इमेज को सर्च करके डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर अगर आपके पास है तो वो अच्छी बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इमेज मिल जाएगा, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद या फिर आपके पास है तो आप दोस्तों उसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर प्ले स्टोर पर आकर एक एप्लीकेशन को सर्च करो, जी बॉक्स, एंड आप इसको इंस्टॉल कर लो दोस्तों। तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, अभी हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करोगे दोस्तों तो आपसे ये कुछ परमिशन आएगा, तो आप इसको स्किप कर देना, आपको कुछ एक अकाउंट से लॉगिन नहीं करना होगा, आप इसको स्किप कर दो एंड यहाँ पे नॉट नाउ कर दो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जब आप ड्रैग डाउन करके नीचे आओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्वाइप फोटो का, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड आपको अलाउ कर देना है एंड यहाँ से आपको उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है ऐड इमेज पर क्लिक करके। तो हम यहाँ पे चलिए अपने इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं जो मैंने गूगल से ही डाउनलोड किया है। तो ये मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे आप चूज़ भी कर सकते हो 1, 2, 3, 4 आप रखना चाहते हो या फिर आप 3 इमेज को वहाँ कट कट करके अपलोड करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे टिक कर देते हैं। तो आप 3, 2, 1 कर सकते हो एंड उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम पर क्लिक कर देना है। तो चलिए, अब हम यहाँ पे पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम पर भी क्लिक कर देते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो इसके बाद दोस्तों, ये डायरेक्टली इंस्टाग्राम में आ गए हम एंड यहाँ से आपको फिर से उस फोटो को सिलेक्ट करना होगा। तो प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड चलिए हम क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब इसको सिलेक्ट करोगे इमेज को तो आप दोस्तों पीछे से करना, अगर आप सामने से करते हो तो वो इमेज उल्टी हो जाएगी एंड वो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो आप हमेशा पीछे से 1, 2, 3 करके सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आप सेम उसी तरह से करना एंड यहाँ से हो गया, हमने सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से टिक कर देते हैं एंड अब इसको चलिए हम यहाँ से हमको एडिट नहीं करना है एंड यहाँ से चलिए यहाँ पे शेयर कर देते हैं। मैं कुछ भी हैशटैग नहीं लगाता हूँ एंड यहाँ से मैंने अपलोड कर दिया एंड आप अपनी प्रोफाइल में जाके एक बार मैं अपने प्रोफाइल को रिफ्रेश मारता हूँ एंड ये देखिए यहाँ पे वो इमेज अपलोड हो चुकी है एंड मैं अभी आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो अब देख पा रहे हो दोस्तों, ये दिखने में कितने ज़्यादा अच्छी एंड कूल लग रही है एंड ये देखिए मैंने इसको इसी तरह से अपलोड किया एंड ये देखिए पैनोरामा इमेज को आप इस तरह से अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी तरह से आप इमेज पैनोरामा इमेज को अपलोड कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड दोस्तों, आप अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम @loverbobvirat_ या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।